वानिया समैरा और तानिया वकार हाउस आ गई। समैरा अपने कमरे में चली गई। वो दोनों लॉन में बैठकर खूब सारी बातें करने लगी। इतने में ही तानिया का मोबाइल रिंग हुआ। तानिया ने चौंका, मोबाइल में देखा तो उसकी दोस्त शीजा की कॉल थी। आज उसका निकाह था, ये तो तानिया भूल ही गई थी। वो बात करने लगी और भरपूर शिकवा किया, क्योंकि वो अपने वालदैन की अकलौती औलाद थी। बेस्ट फ्रेंड होने की वजह से तानिया ने ही निकाह में शिरकत करके उसकी बहन की कमी पूरी करनी थी। कुछ देर बात करने के बाद तानिया ने कॉल कट कर दी। वानिया से बेहद इसरार के बाद वो तैयार हुई और जल्दी वापस आने का बोलकर ड्राइवर के साथ शीजा की तरफ चली गई। वानिया मुतमिन थी, शीजा और उसकी फैमिली बहुत अच्छी और देखी वाली थी। वो लान के झूले में बैठे शिफान की बातें याद करके मुस्कुरा रही थी कि फ़ोन की बेल बजी। फ़ोन उठाकर देखा तो शिफान का नंबर जगमगा रहा था। यस करके कान को लगाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त तुम मेरे बारे में सोच रही थी, ना सिर्फ याद कर रही थी, मेरी शरारतों के बारे में सोच कर मुस्कुरा भी रही थी। जी नहीं, वानिया सर बटाई और इधर उधर देखा। सफियान का कहका जानदार था, जिसका मतलब था वह तुक्का लगा रहा था, जो कि बिल्कुल दुरुस्त लगा था। वैसे लोगों ने बहुत बड़ी मुसीबत अपने सर ले ली है मुझे चैलेंज करके। अब तो रात का बेसब्री से इंतज़ार है। वानिया का चेहरा उसके अल्फाज पर सर टमाटर हो जा रहा था। मैं आज रात वापस नहीं आने वाली, वानिया ने फिर उसे चढ़ाया। इस बात की टेंशन नहीं, शिफान ने नाक पर से मक्खी उड़ाई। मैं उठा लाऊंगा, मैं छुप जाऊंगी, मैं ढूंढ लाऊंगा, फिर सजा डबल से भी डबल। वानिया की बोलती बंद हो गई। शिफान को फ़ोन में महकती लंबी लंबी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। तो मजीद शो हुआ, तुम्हें पता है जो तुम्हारी गर्दन के नीचे गरीबान पर तिल है वो कितना खूबसूरत है शिफान। वानिया ब्लश होकर एकदम चिल्लाई, हा हा हा। फ़ोन में शिफान का जानदार कहका गुंजा। वानिया ने कामते हाथों से फौरन फ़ोन काट दिया। वानिया की तो जान बा बन गई। इतने में फ़ोन दोबारा रिंग हुआ। उसने बगैर देखे फ़ोन रियस करके कान को लगाया। शिफान प्लीज़, वो हंसी हुई। शिफान ही सैफ, जाने सैफ, इतनी जल्दी भूल गई अपने चाहने वाले को। सरसराती आवाज़ वानिया के रोंगटे खड़े कर गई। ककोन, वानिया सहम गई और फ़ोन रखने लगी। हाँ, फ़ोन रखने की गलती मत करना बेटी, वो हवासे से बोला। नहीं तो तुम्हारी गलती का हमेशा तानिया बकार को भुगतना पड़ेगा। मतलब क्या है तुम्हारी बात का? वानिया अंदर तक हिल गई थी। मेहमान बना ली है मैंने उससे अपना, खूबसूरत तो वो भी बहुत है, लेकिन मुझे उसमें रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं। मुझे दिलचस्पी है सिर्फ तुम में। तुम चाहिए हो मुझे अब भी और इसी वक्त तानिया के बदले में। अब मैं कैसे यकीन करूँ इस सारी बकवास का? मेरी कॉल कट किए बगैर ज़रा शीजा को तो कॉल मिलाओ कि तानिया उसके पास पहुँची भी है कि नहीं। और सुनो, तुम्हारी छोटी सी भी भूल तानिया की सांसें रोक सकती हैं। उसकी सरसराती सर्द आवाज़ तानिया के रोंगटे खड़े कर गई थी। वानिया जी जान से लड़ती थी, फिर उसके कहने के मुताबिक शीजा को कॉल मिलाई। सलाम के बाद छूटते ही शीजा ने कहा, वानिया अभी कहाँ रह गई है? ये तानिया अभी तक नहीं आई, मैं कब से वेट कर रही हूँ। वो और भी बोल रही थी, लेकिन वानिया ने लड़ते हाथों से कॉल काट दी। हा हा हा, फ़ोन में कहकर सुनाई दी, कब क्या चाह रही है तुम्हें? और अगर तानिया को एक करोज भी आई तो मैं तुम्हारा मुँह नोच लूँगी। दरिंदे, वानिया गुस्से की शिद्दत से कराई, कहा तो है मुझे तुम चाहिए अभी और इसी वक्त तुम्हारे घर के बाहर टैक्सी खड़ी है, जाके चुपचाप कॉल काटे बगैर उसमें बैठ जाओ। अपने हीरो को बताने की गलती मत करना, वरना पूरा तेजाब का ड्रम तुम्हारी तानिया पर उंडेल दूंगा। शट अप यू बुजदल बेगैरत, चुप कर वार करने वाले कायर नामर्द हो तुम। मर्द के बच्चे होते तो मेरी शिफान से सामने से मुकाबला करते, एक कमज़ोर लड़की का सहारा नहीं लेते। वो गुस्से में दाटती हुई बगैर सोचे समझे जाकर बाहर खड़ी टैक्सी में बैठ के टैक्सी तेज़ी से चल पड़ी। फ़ोन में से फिर हवासे से भरपूर शैतानी आवाज़ गूंजी, अब आ ही रही हो तो दे दूंगा मर्दानगी का सबूत भी। शट अप हबीस इंसान, अपने बकवास बंद करो। वानिया दाढ़ी और फ़ोन बंद करे, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चला था। उस वक्त तो गुस्से में बगैर सोचे समझे इतना गलत कदम उठा चुकी थी। अब कांपते हाथों से जल्दी जल्दी शिफान का नंबर डायल करने ही वाली थी कि ड्राइवर ने पीछे मुड़कर अचानक उसके मुंह पर रुमाल रखते उसने हाथ पैर चलाए, लेकिन बेसुध फोन हाथों से छूट कर नीचे जा गिरा। खुद सीट पर लड़खड़ाती चली गई। शिफान ने सिक्योरिटी बहुत टाइट कर रखी थी, उसकी नज़र हर छोटी से छोटी बात पर थी। ये भी शिफान का ही आ रहा था कि समैरा और रियान के घर के तमाम अफराद के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जा रहा हो। अननोन फोन में आने वाली कॉन्टैक्ट लिस्ट के अलावा था।
हारिस ने अपने सोर्सेज इस्तेमाल कर हर मुमकिन कोशिश की थी सैफ की गिरफ्तारी जल्द अज जल्द मुमकिन बना सके। शिफान उसे भी बाखबर था कि तानिया शीजा की तरफ जाने वाली है। शिफान की हदायत के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड उसके ताकुब में गए थे जब रास्ते में अचानक तानिया वाली गाड़ी खराब होगी। गार्ड को जब किसी गड़बड़ का एहसास हुआ तो वो तानिया को शिफान के कहने पर वापस ले आए थे। फिर शिफान पर्सनली तौर पर उसे खुद वहाँ छोड़ा है। बस इतनी सी देर में वानिया की जल्दबाजी और नादानी में पीछे कयामत आकर गुजर गई थी। वानिया ने तानी को फोन करने की भी सहमत गुबारा नहीं की थी। शिफान गाड़ी में वापस आ रहा था जब हारिस ने फोन करके दिल दहला देने वाली न्यूज़ सुनाई, क्योंकि नंबर ट्रेस किया गया और अननोन हारिस अलर्ट था। वो रिकॉर्डिंग भी सुनी गई। फोन पाने वाला हारिस के अल्फाज सुनते शिफान की ज़िंदगी जज्जू की जद में थी। गुस्सा जब्त करते हुए आंखें लाल अंगारा हो गई थी। वो हारिस से मुसलसल रबते में था। लोकेशन ट्रेस करते हुए बिजली किसी रफ्तार से गाड़ी में निकले थे। शिफान ने इंतहाई सहानत से उसके पेंडेंट में एहतियाती तदाबीर एहतियात करते हुए ट्रैकिंग डिवाइस भी फिट कर दी थी। वानिया को जब होश आया तो खुद को एक बड़े से कमरे में बैठ के ऊपर लेटे पाया। वो खौफजदा होकर बैठ गई। तेज़ी से बैठ के नीचे उतरी, इधर उधर देखा तो कमरे में बैठ के अलावा कोई सामान नहीं था। दरवाजे की तरफ लपकी और दरवाजे से जोर से बजाया। घबराहट में उसे ये भी ना महसूस हुआ कि वो खिड़की के पास खड़ा भली बड़ी दिलचस्पी से मंजर देख रहा है। नजरों की तपश से घबरा कर उसने अपने अक्का में देखा तो दग से रह गई। हाय, सैफ ने सर हाथ हिलाया। चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट के साथ कदम कदम चलता उसकी तरफ आया। वानिया बेहद सहम का फिर दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाजा धड़धड़ाया। प्लीज़ कोई बचाओ मुझे, सेव मी, हेल्प मी, कोई है बचाओ। शिफान आ जाइए, बचा ले मुझे। वो हल्के बल चलाए और बेबसी के एहसास से बेतहाशा रो दी। वो खड़ा होनहार नजर से उसकी बेबसी का तमाशा इंजॉय कर रहा था। वो अभी भी चीखते हुए रो रही थी कि सैफ ने उसका बाजू दबोचा और लाकर बेड पर बैठा। वो उंधे मुंह गिरी थी। चाहता तो बेहोशी के हाल में ही तुम्हें एसिड के ड्रम में फेंक देता। स्वीटी पापा, पता नहीं क्यों तुम्हें मारने को दिल नहीं करता। दरअसल तुम पर दिल आ गया है मेरा, और अब तुम हमेशा के लिए मेरे पास रहोगी। मेरी बांध का कुछ देर बाद हम यहाँ से इतनी दूर चले जाएंगे जहाँ हमें एक दूसरे से अलग करने वाला कोई नहीं होगा। पहले तुम पर अपनी मोहब्बत की मोहर तो सब का लो। उसके एक एक लब से वानिया की रीढ़ की हड्डी में खौफ से सनसनाहट हुई। नाउ कम टू मी बेबी, ये कहते हुए उसने वानिया का दुपट्टा पूरे जोर से उतार कर नीचे फेंक दिया। वानिया एक दिल हरा शीख के साथ सीधी हुई और फिर से खिसकते हुए बैड ग्राउंड से जा लगी। वानिया ने दिल की गहराइयों से पहले अल्लाह और फिर शिफान, हेल्प शिफान, बचाइए मुझे को मदद के लिए पुकारा। हल्क के बाल चलाई। उससे पहले कि सैफ उसके ऊपर झुकता दाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा टूट कर नीचे जा गिरा था। आने वाला बेहद जुनून से स्तर पर होन सवार के सब कुछ तहस नहस कर देने वाले अंदाज से अंदर दाहल हुआ था। शिफान, हारिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ट्रैकिंग डिवाइस को फॉलो करते शहर से थोड़ा दूर एक सुनसान जगह आए थे, जहाँ एक फार्म हाउस को चारों तरफ से घेरे में लेने के बाद सैफ के तमाम कुत्तों पर काबू पा लिया गया था। वो अंदर तक दाखिल हो चुके थे। थोड़ी बहुत मजाहमत अभी जारी थी कि एक कमरे से वानिया की दर्दनाक चीहों की आवाज़ सुनाई दी। शिफान दीवानावार उसकी तरफ लपका। आंखों से शोले लपक रहे थे। अपनी मता को खोने के डर से उस वक्त कोई दिल गुर्दे वाला बंदा भी उसको देखता तो वो भी डर जाता। वो बिजली किसी तेज़ी से आगे बढ़ा और पूरी जान जुनून से दरवाजे पर पाँव मारा। दरवाज़ा रेत की दीवार साबित हुआ। उसके पागलपन के आगे सामने के मंजर ने शिफान को जैसे आके बांबर पर लाग सीटा था। उसकी ज़िंदगी अगर उसे ज़रा भी देर हो जाती तो उसके आगे सोचना ही मौत था। उसको देखकर जहाँ वानिया की जान में जान आई, उसके इतने गर्भनाक तासा से दहल गई। जानती थी अब सैफ को वो उसी फार्म हाउस में ज़िंदा गाड़ देगा। उधर सैफ भी लम्हा भर को शिफान को अपने सर चढ़ आने पर गड़बड़ाया, लेकिन फिर उसी डटाई का मुजाहरा करते हुए हमबाजे से भरपूर हंसी हंसने लगा। वानिया बैठ से उतरकर शिफान की तरफ लपकी के सैफ के पहलू में से गुजरते हुए सैफ ने बुरी तरह उसको बालू से पकड़ा। उसकी कनबट्टी पर गंतानी वानिया के लबू से लहराज सिसकी निकली। शिफान अजियत की इंतहा पर पहुँच कर दारा, यू बासर गंदी नाली के कीड़े, छोड़ इसे, हा 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 नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगे, गलती की मैंने जो तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है, तुम यहाँ पहुँच गए। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब इसे लेकर वहाँ जाऊँगा जहाँ तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं पहुँच पाएंगे। मेरे साथ रहेगी अब ये, उसने आँख दबाकर वानिया की गिरफ्त में बुरी तरह मचलती रही थी।
बेगैरत इंसान अगर ज़िंदगी प्याली है तो छोड़ दे इसे, वरना यही ज़िंदा जला दूंगा। शफा ने तान पीसे, जलोगे तो तुम जब मेरे साथ होगे इसलिए तो तुम्हें ज़िंदा छोड़ूंगा। शफा एहतियात आगे बढ़ने लगा तो सैफ ने ट्रैगर पर दबाया हाथ। गलती मत करना दोस्त, वरना इसका बेजा उड़ा दूंगा। मेरी ना हुई तो इसे तुम्हारे लिए तो हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। सैफ ने वानिया के बालू को फिर से झटका देकर कहा। वानिया अजीज से तड़प रही थी। वानिया को लिए उल्टे पांव पिछले दरवाजे की तरफ हटने लगा कि एक सनसनाती गोली आई, सैफ के पेट के आर पार हो गई। हारिस और फोर्सेस ने चारों तरफ से उनको कवर कर लिया था। हारिस ने सैफ को देहान शिफान की तरफ भटकते देखा तो फायर कर दिया। इतने में बाहर फिर सैफ के एक आदमी ने, जो कि छुपा हुआ था, उन पर फायर करने लगा। सैफ की गिरफ्त ढीली हुई तो वानिया सरसों की तरह पीली पड़ गई थी। खुद को छुपा कर शिफान से लिपट कर बोली, कहाँ रो लेगी, रोने लगी। शिफा ने उसे खुद से अलग किया। उसका दुपट्टा लेने के लिए एक तरफ बड़ा सैफ बरपा गिरा और दर्द से दोहरा हो रहा था। शिफान की तरफ नफरत से देखा, पिछले बार हाथ ऊपर किया और फायर कर दिया। वानिया जो के दम बहुत से सैफ को खून में लतपत देखी थी, जब उसने फायर किया बिजली किसी तेज़ी से शिफान के आगे आई थी। एक आग का शोला सा था जो वानिया को अपनी कमर में घुसता हुआ महसूस हुआ। वो बेदम से हो गई। वानिया शिफान हल्के के बल चलाया। वानिया शिफान के बाजू में कटे पतंग की तरह झूल गई। वानिया मेरी जान दीवाना मार्ज पर झुका, वह लंबी लंबी सांसें ले रही थी। क्या क्या तुमने मेरे सामने क्यों आई, वो पागलों की तरह उसके नरम से गाल थपथपा रहा था, जो कि अब गनुदगी में जाने लगी थी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, प्लीज़ उठो यार, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। उसने साथी से उसे खुद में बेचा शिद्दत जब्त के बावजूद आंखें बुझने लगी। हारिस और फोर्सेस ने सैफ को हिरासत में लिया और तमाम एरिया क्लियर कर लिया। हारिस शिफान की तरफ लपका, शिफान होश करो, हॉस्पिटल लेकर चलो इसे। हारिस ने शिफान को झंझोड़ा, कशादा हाल में सब मेहमान मौजूद थे कि हाल की सब लाइट साफ हुई और स्पॉटलाइट में वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते हुए स्टेज तक आए। खुशी अंग अंग से फूटी थी। आसमान से उतनी चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी। आप वाइट नगीनों की कामदार मैक्सी में वानी आसमान से उतरी हुई लग रही थी। सबके ब्लैक फुल सूट में आप वाइट शर्ट पहने शिफान भी नज़र लग जाने की हद तक हैंडसम लग रहा था। शिफान की तड़प और दुआएं वानिया को मौत के मुँह से वापस ले आई थी। सैफ और उसका बाप अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुके थे, क्योंकि अब उनका केस स्पेशल फोर्स के पास था। पूरे दो माह बाद वो स्मैरक के पास ही थी। मुकम्मल सेहत याब होने तक उसके बाद उनकी शानदार सी विलीमे की तकरीब का अहतमाम किया गया था। फंक्शन के अहतमाम के बाद वो एक मरतबा फिर कमरे में बैठी दुल्हन के रूम में उस दुश्मन जान का इंतज़ार करती जो उसके लिए पल पल तड़पा था, लेकिन महज उस वजह से उससे नाराज़ था कि उसने शिफान के नाम की गोली अपने वजूद पर क्यों खाई थी। ये तो वही चाहती थी कि उस पल उसने शिफान के अलावा कुछ ना सोचा और ना किसी चीज़ की परवाह की, अपनी जान की भी नहीं। वो उन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाजे पर आहट हुई। शिफान अंदर आया, कमरे का दरवाज़ा लाग गया, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता बेड पर आकर उसके बिल्कुल सामने बैठा। उसका नूठे पैर थे गुड़ी से नवाजा। वानिया ने जो होंठों तक घूंघट किए बैठी थी अपना घूंघट उठाया। शिफान तो मबहूत ही हो गया, उसे दुनिया भूल गई। ये भी क्या आप नाराज़ हैं मुझे, वो मासूमियत से बोले। हाँ, बमुश्किल नज़र हटा कर मुख्तसर जवाब दिया। वो जो इतने दिनों से जब किए बैठी थी सिसक पड़ी। वो जो उसको तंग करने के चक्रों में था एकदम बौखला गया। वानी ये क्या मेरी जान, उसके बेहद करीब होता वो उसके चेहरे को हाथों में लिए बोला। कौन कमबख्त बल अपनी ज़िंदगी से नाराज़ हो सकता है यार, उसे अपने सीने में समाता बोला। कई पल यूं ही एक दूसरे को महसूस करते गुजरे। तब वानिया की आंखें खुश्क हुई तो वो बोला, नाराज़ तो मैं हरगिज़ नहीं हूँ, अलबत्ता तुमने जो जो गलतियाँ की हैं उनकी सजा भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। तो क्या हाल है, वहीं से स्टार्ट करो जहाँ से ख़त्म किया था, जुमान ने सब बोला तो वानिया अपने आप में सिमर के, कहाँ था मैं हाँ दिल पर। शिफान वो सुरख चेहरा लिए बुखलाई, जी शिफान ने जान जाने। शिफान उसने दोनों हाथों से उसकी कमर से थाम का बेहद करीब किया। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी उसके सीने में छुपा कर उनमें बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुमसे आइंदा दूर जाने का सोचा भी तो मर। वानिया ने घबरा कर उसके लबों पर फौरन हाथ रखा था। तो कैसे बोलूँ, वो शरारत पर आमादा हुआ, बोलिए ही ना तो फिर मुझे चुप करा दो खुद ही, नहीं तो मैं तो बोलूँगा कि तुम दूर गई तो मर जाऊँगा। उससे पहले कि शिफान वो जान लेवा अल्फाज बार बार दोहराता, वानिया ने अपने नरम और नाजुक लब उसके लबू पर रख के उसे वाकई चुप करवा दिया था। लम्हे काफ़ी फसूहे से
صرف کمرے میں وانیا کی چوڑیوں کی آواز گونجی تھی۔ نفرت ہار چکی تھی اور محبت جیت گئی تھی۔ اب کسی ڈائی ہوپ کے بغیر انہوں نے ایک دوسرے کی قربت میں اپنی زندگی بتانی تھی۔ وہ خواب جو وانیا کی آنکھوں نے سجائے تھے، انہیں اسٹیفان کی محبت کی خوشبو نے معتبر کر دیا تھا۔